जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पिछले कुछ अर्से में 10 किलो वजन कम कर लिया है, लेकिन मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ तब शेयर करूंगी वंस मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी। मैंने सोचा हुआ है मैं अपना पूरा शेयर करूंगी, मैं नाश्ता क्या करती थी, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती थी, लंच डिनर सारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बट एक दफा मैं जरा अपना प्लीज गोल अचीव कर लूँ। अभी 54 है, मैं चाहती हूँ 52 पे आ जाऊँ, ये 2 किलो कम हो जाए, उसके बाद मैं पूरी वीडियो इस पे भी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ कि मैं खुद क्या नाश्ता करने लगी हूँ। अब मैं हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, तो नाश्ता मैं अपना वहाँ पे साथ लेकर जाऊंगी, मैं घर से नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैंने जल्दी निकल जाना है एंड तब तक मेरी विंडो जो है वो ब्रेक नहीं होती। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की आजकल हूँ 18:6 विंडो पे, यानी मैं 18 आवर्स भूखा रह रही हूँ, उसमें मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ बिकॉज कैफीन के बगैर तो गुजारा नहीं है, और बाकी जो है मैं अपने जो 6 आवर्स हैं उसमें अपने मील्स लेती हूँ। सो हम नाश्ते की तरफ आते हैं। नाश्ता मैं बेसिकली बना रही हूँ अपने लिए मूसली, ओट्स भी खाती हूँ, मैं डिफरेंट तरह के नाश्ते खाती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मैं पीनट बटर टोस्ट खाती हूँ, एंड अगर पीनट बटर टोस्ट नहीं तो फ्रेंच टोस्ट। बट आज जो भी मैं बना के दिखाने वाली हूँ, बना के दिखाने की कोई नायाब चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैं चीज़ शेयर कर रही हूँ वो है मूसली जो मैं अपने लिए बना कर लेकर जाऊँगी। सबसे पहले मैं मूसली लूँगी, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो मेयरिंग कप्स की डिबेट चलती है ना, ये है 1 कप, मैं मेयरिंग कप की बात करती हूँ। हमेशा से मैं कोई ब्रांड नहीं दिखाना चाहती क्योंकि फिर सारे कहते हैं तुमने ब्रांड एंडोर्स किया है। सो ये है 1 कप, 1 कप एंड ये 1/2 कप, ये वाले कप्स की मैं बात करती हूँ। 1 कप सालन लेना है, 1/2 कप सालन लेना है, तो ये 1/2 कप है, इनके ऊपर लिखा हुआ होता है ना कि ये कितना है। सो मुझे कप्स की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं अपना मील प्रिपेयर करूँगी। सबसे पहले हम लेंगे जी 4 टेबल स्पून मूसली, 4 टेबल स्पून, एंड मैंने टेबल स्पून ही बैठ के साथ को मार दिया, ये है टेबल स्पून। सो पहले मैं ब्रांड, अगेन मैं ब्रांड एंडोर्स कर ही नहीं रही, सो मूसली का पैकेट नीचे रहेगा और उसमें से मैं मूसली डाल डाल के, ताकि कोई मसले मसाइल ना बने भाई हमारे। ये है 1 टेबल स्पून, मैंने काफ़ी चीटिंग किया, 1 टेबल स्पून, क्योंकि पैकेट छुपाने के चक्कर में मैं चीज़ें ख़राब कर रही हूँ मुझे लग रहा है। ये पूरा भरा हुआ नहीं था, ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून एंड ये 4 टेबल स्पून, ऑलमोस्ट इतना, 4 खाने के चम्मच मूसली, अगेन ब्रांड कोई भी हो सकता है। उसके अंदर मैं शामिल करूंगी, ये है मेरा 2/3 कप लो फैट मिल्क वाला कप जिसके अंदर मैं दूध डाल के मैयर करके शामिल करूंगी। अब दूध का भी मैंने ब्रांड नहीं दिखाना, तो वो भी मैं साइड से, लो फैट मिल्क है, आसानी से मिल जाता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो खुला दूध आता है, भी जो खुला दूध आता है आप उसी के ऊपर से बलाई 2 दफ़ा हटा लें तो वो लो फैट हो जाएगा। हाथ ना कांपे मेरे, क्योंकि कैमरे के आगे हर बंदा नर्वस हो जाता है, और ऑल दो बहुत टाइम हो गया बट फिर भी। सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2/3 कप लो फैट मिल्क, ये पूरी रात ऐसे ही मैं रखे रखूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़े से फूल मखाने। फूल मखाने सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हम लोग अक्सर जो हैं वो इस एक चीज़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इन बेचारों का ना जायका इतना अच्छा नहीं होता। हैंडफुल, एक मुट्ठी में जितने फूल मखाने आए हैं मैंने इनको रोस्ट करके नहीं रखा हुआ, ओवरनाइट सोक्ड रहेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, एक गिर गया है मुझसे वो मैं बाद में उठा के ऐसे ही खा लूँगी, ये एक मैंने ऐड कर दिया। अब इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स जो के मेरे पास अलहदा से पड़े हुए हैं। सो 1/2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर, बिकॉज मुझे ना अक्सर ये ड्राइव कर करके मेरे घुटनों में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फ्लैक्स सीड्स वी ऑल नो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। एंड टीस्पून मैंने कहीं रख दिया है जी, 1/2 टीस्पून मैंने कहीं रख दिया है, तो वो फिर मैं एंड पे अलहदा से ऐड कर लूँगी, या ये मेरे पास 1/2 टीस्पून पड़ा है, 1/2 टेबल स्पून पड़ा है, सो ऑलमोस्ट उतना ही है, मैं इसमें से ऐड कर देने लगती हूँ। फिर ये इस तरह वीडियो बनाने का ना मेरा एक्सपीरियंस पहली दफा हो रहा है। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स जो मेरे पास पड़े थे ना, वो पड़े हुए पहले से ग्राइंड हुए हुए, लेकिन ये अच्छी फॉर्म नहीं होती। अच्छी फॉर्म होती है जब आप खुद इसको दादड़ करके लेते हैं, दादड़ है चट्टू वट्टे में मोटा मोटा कूट के, वो जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके बेनिफिट सबसे ज्यादा है। बस मेरे पास नहीं पड़े हुए थे, पड़े हुए हैं बट वो दादर करने वाली ताकत नहीं की आज मेरे में, सो मैंने ऐसे ही ले लिया। और आखिरी है, ये मैं आपको ब्रांड दिखा भी दूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी मदर इन लॉ लाई थी जब वो कहीं घूमने गई थी,
ये कुछ मिक्स नट्स हैं विथ ड्राई फ्रूट, और ये भी मैंने अभी पैकेट खोला भी नहीं है। ये मैं इसमें ऐड करूंगी हैंडफुल अप्रॉक्सीमेटली, तो बहुत मज़े के होते हैं। एक पैकेट तो मैंने और जायद ने ऐसे ही खा लिया था, ऑल दो बड़ी बुरी आदत है रात को खाने की, बट जब हम टीवी या मूवी देख रहे होते हैं फिर हम दोनों यही खाते हैं ये चीज़ें, एटलीस्ट हेल्दी ऑप्शन है। और मुझे लगता है मैंने अपना फ्रेम हिला लिया है, मैं आप लोगों को ये दिखा भी देती हूँ। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कुछ बेरीज हैं, कुछ वॉलनट्स हैं, ये काजू भी है। पाकिस्तान में ना ये चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है, मैंगो है, 2 स्लाइसेस ऑफ मैंगो डाल सकते हैं आप इसके ऊपर। आप इसमें थोड़ी सी वैसे किशमिश ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी पास ही टेबल पे पड़े हुए हैं, बट आज मैं वो ऐड नहीं करी। सो इसमें आप किशमिश ऐड कर सकते हैं, आप इस पे फ्रेश फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, आइडियली फ्रूट सुबह उठ के ऐड करना होता है। अब चूंकि मैंने आप लोगों को दिखाना था तो मैंने ये नट साथ ही ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है सुबह उठ के उसमें फ्लैक्स सीड्स डालो, सुबह उठ के उसके अंदर नट्स डालो और उसको ले जाओ अपने साथ। अभी वैसे तो मैं मीठा इतना शौक से नहीं खाती, बट शायद मैं इसके अंदर एक आधी खजूर, मुझे लगता है मुझे डाल लेनी चाहिए, जरा मीठा हो जाएगा। एक खजूर मैं इसमें ऐड करूंगी। एक खजूर, वैसे अगेन इतना मुझे मीठा पसंद नहीं है, बट चूंकि इतनी देर खाने के लिए भूखा रहना होता है, इतने आवर्स भूखा रहना होता है, एंड 4-5 बजे खाना और उसके बाद 10-11 बजे खाना मिलेगा, तो फिर मैं इसमें खजूर भी ऐड कर दूंगी ताकि मेरा एनर्जी लेवल जो है ना वो ज़रा बेहतर है। मैं छोटी छोटी ऐड कर रही हूँ। आप खजूर अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून शहद भी डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली खजूर बहुत पसंद है, एंड पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे शहद से बहुत बुरी एलर्जी है। शहद के बहुत फ़ायदे हैं, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बट मुझे उससे एलर्जी है जिसकी वजह से मैं फिर खजूर को ही प्रेफर करती हूँ। एंड खजूरों का एक फ़ायदा ये भी होता है, आई रहती हैं कहीं ना कहीं से, जो आता है मेरे घर उसे पता होता है कि मुझे खजूरें पसंद है, तो मेरे लिए गिफ्ट भी ज़्यादा खजूरों का ही आता है। एंड खजूर मैंने इसमें ऐड कर दी। सो ये अब मैं फाइनल फॉर्म आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये मेरा छोटा सा बॉल तैयार हो गया है, इधर स्टिकर लगा हुआ है तो इधर से देख लें। ये मेरा छोटा सा बॉल तैयार हो गया है जिसको मैं सुबह जाते हुए, अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी, सुबह जाते जाते बस मैं निकाल के ले जाऊंगी, एंड उसके बाद मैं क्लिनिक में दे दूंगी, वो फ्रिज में रख देंगे। 4-5 बजे के करीब मैं ये खा लूंगी, बाकी सारे जो मर्जी खाएं। वेट लॉस में मैं और मेरे हेड ऑफ ऑपरेशन हैं सत्यन साहब, हम दोनों बेचारे मासूम यही खा रहे होते हैं डाइट वाले खाने, हम दो वेट लॉस कर रहे हैं। वो उन्होंने भी अगर टेस्टिमोनियल की इजाज़त दी तो मैं उनका भी टेस्टिमोनियल शेयर करूंगी, उन्होंने भी बहुत अच्छा वेट लॉस किया हुआ है। एंड मैं, मुझे तो आप देख रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 10 kgs रिड्यूस कर लिया है, बट एक दफ़ा 52 हो जाए तो मैं अपने सारे मील्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है ये हेल्दी मील का ये जो ये वाला आइडिया ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, जिन लोगों को मैंने खुद से डाइट प्लान्स लिख के दिए हैं, मैं प्लीज़ आपने ये वाले डाइट प्लान्स मेरे इस तरह से फॉलो नहीं करने, उसकी वजह ये आपकी मैंने कैलोरीज एडजस्ट की नहीं है। आपने इधर से देख के, यूट्यूब से देख के वीडियोस फॉलो नहीं करनी, जो मैंने लिख के दिया है वही करना है प्लीज़।